हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर जी के एंड मैट्रिक्स में। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पांचवा वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो वीडियो है वो भाव के केस से रिलेटेड है। इससे पहले हमने बताया है वो अमाउंट के केस से रिलेटेड था, आज भाव के केस को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह बहुत ही प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप इसे देखें, समझें। अगर आज पूरा वीडियो देखते हैं तो आगे भविष्य में आपको इस तरह के भाव के केस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको कोई दिक्कतें हैं तो आगे भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि दिक्कत ना रहे तो इसके लिए आप सारे प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाला है उसे आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अगर पूरा आप देख लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे भी कुछ वीडियो लाना बाकी है, ठीक है, तो सारा का सारा वीडियो आप देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे बड़ी बातें ये है कि आज का जो टॉपिक है, इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर वो अमाउंट के केस पर आधारित है। देखिए दो तरह के होते हैं, अमाउंट केस पर आधारित, और एक होता है भाव केस। ठीक है, भाव केस मतलब क्या, एक पैसे पर आधारित होता है और एक भाव पर आधारित होता है। जो पैसे पर आधारित मतलब कि आपने कोई वस्तु 10,000 में खरीदा, 5% लाभ, 20% लाभ, 10% लाभ लेकर के उसको बेच दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, या इतना में खरीदा इतना में बेचा, हानि परसेंट लाभ परसेंट जो भी है ज्ञात करना। ठीक है, तो वो अमाउंट का केस हो गया, रुपया की बात जब आ गई। लेकिन भाव के केस में रुपया का कोई चर्चा नहीं होता है, पैसे का कोई चर्चा नहीं होता है। तो आप देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, चुटकियों में हल करना आप सीख जाएंगे भाव के केस पर। एक बात और याद रखना है, देखिए कि जब अमाउंट का केस होता है ना तो हमेशा क्रय मूल्य नीचे आता है। अमाउंट के केस में क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य नीचे आता है, सीपी नीचे रहता है। और जब भाव का केस आता है तो वहां पर हमेशा क्या होता है, एसपी नीचे होता है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य नीचे होता है। चलिए, तो विक्रय मूल्य, ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका आज कि विक्रय मूल्य को कब हम नीचे रखें और क्रय मूल्य को हम कब नीचे रखें। तो जब भी याद रखिएगा, भाव का केस होगा, अमाउंट की कोई चर्चा नहीं होगी, तब आप विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब ही अमाउंट की बात आ जाएगी तो क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि यह जो है प्रश्न क्या कहता है। एक दुकानदार ने जितने रुपया में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपया में एक 15 कलमें बेच दिया। गौर कीजिए, 20 कलमें खरीदा, अगर खरीदा तो सीपी हो गया 20 कलम, सीपी हो गया 20 कलम, और 15 कलम बेच दिया, मतलब क्या हो गया, एसपी हो गया आपका 15 कलम नहीं तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, जरा देखिए। तो ये सीधी सी बात है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप घटाएंगे पहले बड़ा में से छोटा, जैसे सीपी में से एसपी आप घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये अंतर आप हमेशा याद रखेंगे, क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को ही घटाएंगे। तो ये 5 आ गया, 5 ऊपर रख दीजिए और एसपी जो है उसको नीचे रखिए और गुने 100 कर लीजिए। 5 तीये 15, ये हो गया 100/3 अर्थात 33 तीया 99, पूर्णांक 1/3 प्रतिशत का ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस बात को याद रखिएगा, अगर माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। मोहन कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो सीपी की बात करेंगे तो 40 खरीदा उसने और एसपी की बात करेंगे तो 50 बेचा, नहीं, पैसे बराबर है यहां पर। तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये क्या कहता है, बराबर और संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। किसमें से किसको घटाना है, सीपी में से एसपी को घटाना है। 40 में से 50 घटाएंगे तो -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10 बट्टा में किसको रखेंगे, एसपी को रखेंगे 50, और गुने क्या कर देंगे 100, 50 × 100 10 × 20% माइनस है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 20% की हानि हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 20% की हानि हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान। भाव के केस में आप हमेशा क्या करेंगे, सीपी को ऊपर रखेंगे और एसपी को नीचे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो है पुनः हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको
जो 10 रुपये की वस्तु 11 खरीदा, तो 11 रुपये की वस्तु अगर हम 10 खरीदेंगे तो लाभ और हानि क्या होगा उसको ज्ञात करने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका सब बताएंगे, एक से एक तरीका बताएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्नों को लगभग 2 विधि से हल करने का तरीका बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए